तो फाइनली दोस्तों थालापति विजय के फिल्म लियो ने सिनेमाघरों में 2 हफ्ते पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म का रिलीज हुआ सिनेमाघरों में 16वां दिन चल रहा है और अब ये फिल्म 3रे हफ्ते में कदम कर रख चुकी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि लियो फिल्म अभी कमाई नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई कर रही है और फिल्म लियो ने अब तक साल 2023 के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। हालांकि साल 2023 के सबसे बड़े ओपनर बने फिल्म लियो, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि यहां पर फिल्म लियो ने कुछ गिनी चुनी फिल्मों में अपना नाम रख चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, तो फिल्म को आज सिनेमाघरों में 16वां दिन चल रहा है और पिछले 15 दिनों में ये फिल्म इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर ली है और वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा और आज अपने 16वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 दिनों का कितना कलेक्शन हो जाएगा, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी थालापति विजय और संजय दत्त को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म लियो की, तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म था जिसका फैंस को बड़े बेसब्री से इंतजार था और लियो फिल्म के रिलीज से पहले फैंस के दिलों में जो लियो फिल्म के लिए जो क्रेज था वो वाकई काबिले तारीफ था। और जैसे ही ये फिल्म सिनेमाघर पर रिलीज हुई तो जिस तरह से फिल्म को रेस्पॉन्स मिला, पहले दिन अपने ओपनिंग डे पर 148 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली फिल्म लियो ने और साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर बन गई। जैसे कि प्रभास की आदि पुरुष 145 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी साल 2023 में, उसके बाद जवान, उसके बाद पठान, लेकिन लियो फिल्म इन तीनों फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी। लेकिन यहाँ पे लियो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कमाई की है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ये एक हाईफाई बजट की फिल्म थी। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी है ये फिल्म, जिसको प्रोड्यूस किया था एसएस ललित कुमार ने। फिल्म ने हमें विजय के साथ तनिषा, संजय दत्त अहम किरदार में नजर आए हैं। फिल्म के बजट की अगर हम बात करें 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बजट है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अपने पहले दिन अपने ओपनिंग डे पर फिल्म लियो ने इंडिया के अंदर जो कमाई की थी वो थी 64 करोड़ 80 लाख रुपए, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम सभी भाषाओं में। तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था पहले दिन का वो था 148 करोड़ 50 लाख रुपए का। उसके बाद 4 दिनों के वीकेंड पर फिल्म लियो ने 181 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा ली थी, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 364 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 4 दिनों में 364 करोड़ रुपए पूरे वर्ल्ड में फिल्म लियो कर चुकी थी। उसके बाद अगर हम बात करें फिल्म के पूरे 14 दिनों के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बारे में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम सभी भाषाओं की, आपको बता दें कि 14वें दिन फिल्म ने कमाई थी 3 करोड़ 56 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ 56 लाख रुपए अपने 14वें दिन फिल्म कमा ली थी और 14 दिनों की जो टोटल कमाई थी सभी भाषाओं में वो थी 314 करोड़ 95 लाख रुपए। तमिल से फिल्म ने कमा लिए थे 251 करोड़ 24 लाख रुपए। तेलुगु से फिल्म का कलेक्शन हो चुका था 39 करोड़ 53 लाख रुपए। हिंदी से फिल्म ने कमा लिए थे 22 करोड़ 65 लाख रुपए और कन्नड़ लैंग्वेज से फिल्म कमा लिए थे 1 करोड़ 45 लाख रुपए। और फिल्म के जो 14 दिनों की टोटल कलेक्शन थी जो सभी भाषाओं में वो था 314 करोड़ 95 लाख रुपए और वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो था 371 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 383 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में 554 करोड़ रुपए अपने पहले 14 दिनों में फिल्म लियो कमाई कर लिए थे और 15वें दिन फिल्म की कमाई रही 3 करोड़ रुपए की। और अगर हम बात करें आज के दिन की यानी 16वें दिन की, और आज ये फिल्म पूरे इंडिया से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है, तो फिल्म के जो 16 दिनों की जो टोटल कमाई है वो है 320 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है और वही फिल्म का जो पूरे वर्ल्ड में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है 562 करोड़ रुपए हो रहा है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। दोस्तों जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।